हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और अभी उज्जैन में एक जैन महोत्सव चल रहा था, उसमें एक महल बनाया गया था जो कि काफ़ी कुछ मूवी के सेट जैसा दिख रहा था। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उसी महल में। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। यहाँ पर जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो मेरा दोस्त है, उसी ने मुझको अपना DSLR दिया है शूट करने के लिए। तो वीडियो के कुछ हिस्से मेरे फ़ोन से भी शूट किए गए हैं और मैक्सिमम जो हिस्सा है वो आपको DSLR से शूट किया हुआ मिलेगा। ये शिप्रा नदी के पास का एरिया है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पर शेर का। और अभी हम गुजर रहे हैं उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर के सामने से, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो स्तंभ है जहाँ पर दिए जलाए जाते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी हम गुजर रहे हैं शिप्रा नदी के ब्रिज के ऊपर से। यहीं पर पास में कार्तिक मेला ग्राउंड है, वहीं पर हर साल मेला लगता है। और जो अभी महल बनाया गया है इस महोत्सव के लिए वो भी यहीं पर बनाया गया है। और जो सबसे मेन घाट है रामघाट, वो भी यहीं पर है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहीं पे लगता है कुंभ का मेला। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 4 जगह है जहां पर लगता है, उनमें से एक उज्जैन भी है और यहां के मेले को सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए जैन मंदिर और जैन तीर्थ के कुछ फोटोज हैं जो यहां पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। और जैसे जैसे एंट्री गेट नज़दीक आ रहा था, मैं अपना कैमरा लेके आगे बढ़ ही रहा था, इतने में जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे वो एक सरदार थे, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। पहले मुझको लगा कि वो मुझे मना कर रहे रिकॉर्डिंग से, बट बाद में उन्होंने कहा कि सरदार नाल फ़ोटो नहीं खिंचाओगे। मैंने कहा क्या, तो बोलते हैं कि सरदार का फ़ोटो नहीं लोगे। तो मैंने बोला बिल्कुल लूँगा सरदार जी, आप यूट्यूब पर आने वाले हो, इसलिए मैंने उनका फ़ोटो इंक्लूड किया है। देखिए आप भी देख सकते हैं।